महंगाई तो बहुत दुगनी हो गई, हर चीज़ दुगने रेट में मिल रही। और रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ने जो पिछली गवर्नमेंट भी आई है नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 200 रुपये तेल तो कम है, 400 रुपये किलो होना चाहिए कम से कम। अटकी हो रही है, सारी रोड तंग कर रखी, और कहने वाला कोई है नहीं किसी को। अरे विकास तो बात की बात है, पेट्रोल डीजल नहीं ऐसे मार दे। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर सड्डा। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में है, बरूखी गांव है, गांव के लोगों से साथ बात करने पहुंच चुके हैं, इनकी समस्याओं को जानते हैं। जो 4.5 साल का सरकार रहा योगी जी का, उस पर भी बात करेंगे, और जो अन्य 2 सरकारें 3 सरकारें जो इन्होंने देखी हैं, जो लोग जानते हैं मायावती, अखिलेश, लगातार मायावती और अखिलेश, उसके बाद योगी, तीनों सरकारों पर भी बात करेंगे, क्षेत्रीय समस्या पर बात करेंगे, रोडों पर बात करेंगे और महंगाई बेरोजगारी पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम धीरज कुमार है। धीरज, क्या करते हैं आप? मैं एक प्लम्बर का काम करता हूँ, मजदूर हूँ। मजदूर हैं जी। महंगाई को लेकर पहला सवाल, क्या होगा सरकार में, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है या नहीं? महंगाई तो बहुत दुगनी हो गई, हर चीज़ दुगने रेट में मिल रही। और रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ने जो पिछली गवर्नमेंट भी आई है, तो जैसा कि मान ली बात महंगाई बढ़ी हुई है, उसी हिसाब से मजदूर के लिए भी, मजदूरी वर्ग है हमारा, तो उसके लिए कम से कम ऐसा होना चाहिए, महंगाई के हिसाब के देखते हुए इन लोगों की मजदूरी बढ़नी चाहिए, प्लस इनको जो बेरोजगार हमारे बंदे हैं इनको रोजगार मिलना चाहिए। सबसे जो बड़ी समस्या है हमारे समाज की, शायद मैं नहीं मानता कि एक तो बेरोजगारी और प्लस महंगाई, इन दो से छुटकारा मिलना चाहिए। अगर बेरोजगार इंसान के पास रोजगार होगा तो महंगाई को भी कंट्रोल कर सकता। नाम क्या पड़ेगा सर? बनवारी लाल। बनवारी जी, महंगाई क्या सवाल है सत्ता से? 4.5 साल अच्छा रहा है या नहीं? देखो ये एक बात सुनो, सप्ताह में तो सब ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है, एक बात सुनो, और जो भी होगा महंगाई मुद्दा तो है ही है ही, ये तो सबसे ज्यादा है। मगर एक बात आपको ये बात माननी चाहिए, अब इसका जो रोजगार है इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए पब्लिक के लिए, समझे? और वैसे बैंक 4.5 साल कैसा रहा महंगाई का मुद्दा? 4.5 साल कैसा रहा? 4.5 साल बढ़िया रहा भैया, और सड़कें वड़कें तो हमारे यहाँ खराब से हो रही है, इन पर भी ध्यान देना चाहिए, बहुत गंदगी ज्यादा हो रही है। तो ये ध्यान कौन देगा भाई? ध्यान तो ये गवर्नमेंट ही देगी। गवर्नमेंट क्या? गवर्नमेंट में कौन बैठे? योगी जी बैठे भाई, योगी जी बैठे हैं, योगी जी दिलवाओगे भाई? योगी जी दिलवाओगे? ये सड़कें वरते रास्ता वास्ता सही हो, गंदगी वंदगी भी खत्म हो। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेम सिंह। योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं कोई योजना का? हाँ, कौन सी योजना का लाभ मिला अभी तक? किसान निधि का पैसे आते पेंशन वाले। क्षेत्र के विकास में विकास हुआ है नहीं 4.5 साल में? खूब विभाग तो हुआ है, लेकिन जो इतना नहीं, इतना होना चाहिए। किसने काम किया है? एक मोदी जी ने अच्छा करा है पहला। नहीं, यूपी में किसने काम करा? तो ऐसा पहला अखिलेश की सरकार थी, उसमें भी अच्छे सड़कें बनी, सब काम हुआ। सड़कें, योगी, अखिलेश, योगी, मोदी, अखिलेश, बस इस सरकार में ज्यादा महंगा भी ज्यादा, महंगाई ज्यादा, महंगाई ज्यादा। और एक सर सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश जी, गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश जी, या नहीं? क्या लगता जी? नहीं, गुंडागर्दी तो चरम पर है अपने इस समय, गुंडागर्दी कम नहीं है, गुंडागर्दी चरम पर है, और भ्रष्टाचार भी। अभी मैं आज रोडवेज से आया हूँ, पहले तो टिकट भी मिल जाता था शायद, लेकिन अब तो यहाँ बस भी नहीं रोक रहे थे आज तो, बरूखी में टिकट भी है ना भैया, मशीन खराब हुई पड़ी, सभी की मशीन खराब कैसे हो सकती है? इधर आ जाइए ना भैया, इधर आ जाइए ना, सामने आ जाइए। क्या डर के? नाम क्या जा सकता? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है जी। वो बिजोर से जो बस बना के चलते ना, तो बरूखी से उड़ा के ले जाओ वो बस को, यहाँ रोकते नहीं है। कुछ समय से ऐसा हो रहा है, ऐसी हो रही है। कब? कुछ समय मतलब कब से? कुछ समय से, मैं लगभग 10-5 दिन इस अंतराल पर यहाँ बरूखी से सवारी भी नहीं ले पा रहा रोडवेज वाले, नया सी नगीने से हाल, मैं नगीने से ही बैठ कर आया हूँ अभी भी। और प्लस यहाँ जो है सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है, गवर्नमेंट ने पहले क्या क्या काम करा देख सकते हैं आप सामने, जो बना पड़ा है गवर्नमेंट की चीजें बनी पड़ी है, ये इधर हमारी सहकारी समिति की जमीन है, ये मंडी समिति है, और ये संघ वालों का भी है। ये विकास देख लो सरकार का क्या विकास है, पता वो भी दिखा दो एक आप लोग कैमरे के सामने से हट जाइए। ये विकास हो रहा है सरकार, ये विकास कर रही देख लो, और महंगाई इतनी है बहुत ज्यादा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 200 रुपये तेल तो कम है, 400 रुपये किलो होना चाहिए कम से कम, जब होगी महंगाई और ज्यादा।
पेट्रोल 300 रुपए अभी कम है, और ज्यादा होनी चाहिए। 200 रुपए तो कम है, ज्यादा होनी चाहिए देश के हित में। देश के हित में, देश के हित में महंगाई भी सहेंगे। अपना विकास कर रही है, जनता का कोई विकास नहीं है। तेल निकल रहा है, निचोड़ा जा रहा है जनता। गरीब आदमी क्या करके खाएगा? 200 रुपए का तेल तो गरीब आदमी क्या करके खाएगा? जब महीने में 10 मजदूरी लगी है, जिसके 2 बच्चे या 4 बच्चे है, वो कहाँ से खुलवाएगा अपने बच्चों को? मिल तो रहा है राशन फ्री में। अरे राशन वो कच्चे चावल ही खाओगे क्या? तेल पानी लेते हैं कुछ भी, और उसमें कुछ नहीं डलता चावलों में? चावल ही खाओगे रोज? एक बार उसमें सब्जी नहीं लगती, तेल पानी नहीं लगता उसमें, क्या नहीं लगता? मिर्च मसाला नहीं डलता? 4.5 किलो चावल और कच्चे चावल खाओगे क्या? हमें अगर सरकार वो चावल खावे तो हम भी खा लेंगे वो चावल। खाली उस भोजन को खाते हैं, खाली चावल खाते हैं, कच्चे कच्चे चावल खा। उसके लिए सब्जी नहीं चाहिए, कुछ भी मिर्च मसाला नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए। 1000 रुपया सिलेंडर हो गया, 1000 रुपए का सिलेंडर आ गया भाई, 935 का, 915 का, 970 का। बड़े बड़े एक बात बताइए, जब मोदी सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका अरबों खरबों रुपए का जो लोन है कर्जा है वो माफ कर सकती है, तो क्या इस जनता के लिए इतना कुछ नहीं कर सकती कि महंगाई घट सके? क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकती बताओ? खीरी में कांड हुआ, किसान है आप लोग? किसान है या नहीं? किसान है, पहले भी है यहाँ, सभी सभी वर्ग का बंदा यहाँ किसान है, मजदूर की यहाँ पे। अभी जो तीन हमने जो कई सरकारें देखी, किसका लगा कि किसने विकास किया है या कहाँ कहाँ कमियाँ रही इस सरकार में? भैया कमी तो जो भी सरकार आवे जनता का ही नुकसान है, मगर इस सरकार ज्यादा नुकसान कर रही, महंगाई ज्यादा कर रही। वो सरकारों में इतनी महंगाई नहीं हुई, चोर तो सब है, चोर चोर मुसेरे भाई, ठीक है। यहाँ जो चाहिए उत्तर प्रदेश में, जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, यहाँ भी केजरीवाल चाहिए, ऐसा ही केजरीवाल, ऐसी मुख्यमंत्री होना चाहिए यहाँ भी, हमारे यूपी में भी। तो केजरीवाल, केजरीवाल जी तो लड़ रहे हैं। नेट का बिल 200-300 रुपए का आता था, आज 1500-1700 रुपए का बिल आ रहा। अखिलेश ने तो कहा, अखिलेश जी ने तो कहा 300 यूनिट फ्री देंगे हम पहले, तो अखिलेश जी को भी देख लेंगे आपका, अखिलेश जी को दे देंगे वोट। हमें ये नहीं है, हमें चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें चाहिए विकास, पब्लिक को चाहिए विकास। महंगाई कम हो, पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए। मत डालो जी 15 लाख खाते में, 10-10 हजार महीने डाल दो। 15 लाख ना मांग रहा हूँ, 10-10 हजार महीने डाल दो खाते में, और क्या। ठीक, आप अपना विकास दिखाइए जरा, इधर को कैमरा घुमाइए भैया। विकास दिख गया, दिख गया, दिख गया। कैमरा घुमाओ भैया, इधर टंकी नहीं हुई, कैमरा घुमा दियो इधर टंकी पे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, क्या उन्होंने कभी जनता के मन को जानना चाहा? तो वो टीवी तो नहीं, अपने ही मन की बात करते हैं। किसी जनता से पूछा उन्होंने तेरे मन में क्या है, तुझे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आम आदमी से पूछा तो वो तो प्रधानमंत्री, ये दिखावा है, सब कुछ छलावा है, कुछ नहीं है। तो मन से तो जानता, आम आदमी से पूछो तुझे कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, तब हम जानते हैं मन की बात सफल हो जाएगी। अंबानी अडानी की मन की बात जानते हैं, ठीक है, जान रहे हैं, ठीक। उत्तर गवर्नमेंट जो वीडियो बना रहे हो ना, इस रोड की वीडियो बनाकर तो गेट दोगे ना आप? बरूखी में इतनी अटकी हो रही है, सारी रोड तंग कर रखी, और कहने वाला कोई है नहीं किसी को। मैंने तो पूछा कई लोगों से कि क्षेत्र का विकास हुआ है, जो चाव अपने मोंढे के सामने कूड़ा गेर दे, कचरा गेर दे, कोई कहने वाला नहीं इस बरूखी में। सही बात है। पर जो कम से कम नहटौर विधानसभा की रोड है, नहटौर लो, कहने वाला हो तो बता दो बरूखी में कोई विधायक भी तो आया यहाँ। यहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं कि विधायक भी आए थे, कई लोग देखता विकास नहीं है, चमचे उनके चम्मच जो इस बात को बोल रहे हैं ना, वो चम्मच है वो। आगे की, आगे की वीडियो बनाकर दिखा दो रोड की, आप जब मीडिया वाले हो तो रोड की वीडियो बनाकर दिखा दो। ठीक ठीक ठीक, बाकी ये तो मुद्दे चलते ही रहे। ठीक 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 ठीक, ये मुद्दे तो कभी पहले खत्म हो ना, आप पहले इतने तो ना थे। ठीक है भैया जी, अब पब्लिक भी तो पहले इतनी ना थी। ठीक है, पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ा देंगे, वो तो बात सही है। ठीक है, चलिए आपके मुद्दे, आपके आपके जो जवाब है वो आपके पास है। बाप हमें कुछ देगा? जब हमने बाप की वसारत खत्म कर दी तो एक बात सुनो, वो हम गरीब। अच्छा ठीक ठीक, आप बोल रहे हैं महंगाई पे, महंगाई जब
कांग्रेस के समय बढ़ती थी तो भाजपा वाले लोग के लिए बाहर तो सबका ये तो एक बात सुने नेताओं की बात नहीं तो आम आदमी को तो क्या खाता है जो चीज खाता है वो तो मिलना चाहिए ना। क्या नाम पड़ेगा सर? अमित कुमार। क्षेत्र का विकास हुआ है नहीं? क्षेत्र के आदमी है। अरे विकास तो बात की बात है, पेट्रोल डीजल नहीं ऐसे मार दे। अच्छा, खाने का तेल ने भी महंगाई 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 पे बोलेंगे महंगाई पे। आप बताइए क्षेत्र का विकास पे बताइए, क्षेत्र का विकास क्योंकि आप क्षेत्र में रहते हैं। विकास का रोटी तो खानी होगी बंद। हाँ। विकास कहाँ रह गया? विकास कहाँ रह गया? दो गाड़ी से तो एक गाड़ी बच गई, एक गाड़ी से वो भी नंगा हो गया। अब जा ड्राइवरी करते क्या करते हैं आप? गाड़ियों का काम करूँ था वो उजड़ गया। मैं अब जाओ क्या करूँ इसमें? पहले लॉकडाउन में खत्म हो गया रे साहब, जाओ हो गया तेल में, जब तेल ही ना फूक रहे सब जाओ गाड़ियों में। तो तेल महंगाई हुआ है देश के विकास के लिए, देश का विकास लग रहा हुआ है। कहाँ विकास, कौन सा विकास है, कौन से टावर खड़े हैं, कहाँ दिखाइए मुझे विकास में। तो आपका क्षेत्र है तो आपको मालूम होगा कि हमको मालूम होगा, हम इसीलिए तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। कोई विकास नहीं हुआ, कभी का हुआ, मोदी का तो नाश होगा। इस चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए 22 के चुनाव में आम आदमी का? बस रोटी मिल जाए जनता को, जनता को और कुछ नहीं है, बस रोटी चाहिए। इनकी रोटी जो छीन रही ना रोटी इनकी, वो रोटी मिल जाए ना। मोदी जी ने जिस रेट में सिलेंडर कम से कम जनता को दिए थे जलाने के लिए, वो सब्सिडी भी प्लस दे रहे थे, वो सारे दुगने तिगने दाम पर पहुँचा दिए। पहले तो फ्री में बांट दिए, या तो बांटते ना इस जनता को। वैसे ही मामला नहीं नहीं दिखाएंगे ना, आजकल बिकाऊ मीटे ज्यादा चल रही। ठीक है, आप बिकाऊ जो बोल रहे हैं पहले आप हमारे चैनल को देखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देख हम आप क्या आप भी देखो जहाँ। ठीक है ठीक है, आप क्या करते हैं जो बोले हैं आप जो बिकाऊ मीडिया बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, बिकाऊ मीडिया जो आप बोल रहे हैं ठीक है, हमने टीवी बंद कर दिया। ठीक है, रवीश कुमार के फैन है आप? रवीश कुमार कहते हैं कि टीवी बंद कर दो ना, हम तो संदीप के फैन है, संदीप चौधरी के फैन है। ठीक है, तब तो सही है, हम संदीप चौधरी के फैन, तब सही है, सच्चाई दिखाओ सच्चाई। ठीक है ठीक है ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल ऐसे ही गर्म है, लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि क्या समस्या है। क्षेत्र की समस्या आपको मालूम चल गई होगी, पीछे मंडी का समिति है वहाँ पे देखिए पानी लगा हुआ है, यहाँ पे टंकी है बगल जस्ट सामने ही, पानी भरा हुआ है, गंदगी है, वही पानी अंदर भी जाता होगा, रोड भी टूटा हुआ है। क्षेत्र की समस्या यही समस्याएँ हैं, यहीं से लोग बात करते हैं। अब ये भी एक अलग मुद्दा है कि जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं एक तरफा हो चुकी है, इसलिए लोग मीडिया पर भी गुस्सा होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से चैनल्स हैं जो इस चीज़ों पर बात करते हैं। हम रिपोर्टर्स अड्डा, हम आपकी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।